हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। नॉर्सेट 2021 की तैयारी में पीडियाट्रिक फिनिश करने के बाद, ओबीजी फिनिश करने के बाद, आज एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा। कौन से दिन कौन सा लेक्चर होगा यह भी मैं आपको डिस्प्ले करूंगा। एक शानदार जर्नी पीडियाट्रिक नर्सिंग के साथ रही, जहां पर बहुत कुछ हमने लर्न करने की कोशिश की। उससे बेहतर जर्नी ओबीजी एंड गायनिक में रही, जहां पर आप लोगों ने काफी अच्छी मेहनत की। थर्ड सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर भी बेहतरीन प्रिपरेशन करें और नॉर्सेट में अपना सिलेक्शन और कंफर्म करें। तो फटाफट क्लास को एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, उसके बाद आज एक नया सब्जेक्ट और एक नया अनाउंसमेंट आगे लेके चलते बच्चों। गीता जाट, दीपेंद्र, शैलजा, अनु, पुष्पा, बहेरा, माला राजपूत, सरस्वती, पद्मिनी, जगदीश, बुद्धाराम, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज की इंपॉर्टेंट क्लास कैरी ऑन करने से पहले, जो कल एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया था, उस अनाउंसमेंट में जो बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जेएनसी जोधपुर का कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स परचेज कर रखा है, या जिन्होंने जेएनसी ऑफलाइन कोचिंग कंप्लीट कर रखा है, उनके लिए उनके डिमांड पे कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट यहां पर मैंने दिए हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, अब की बार एम्स नॉर्सेट पार वाला जो नारा आप लोगों ने दिया है, इस नारे को पूरा करने के लिए आपके अपने जेआईएनसी जोधपुर ने लाइव एमसीक्यू बैच, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, टेंथ बैच होगा। इससे पहले आपकी जेएनसी नाइन्थ एमसीक्यू बैच कंप्लीट करवा चुकी है, और आपकी जेएनसी टीम से बेहतर कोई नहीं जानता कि एमसीक्यू कैसे पढ़ाना, कितने दिन में कैसे सिलेबस करवाना। दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम 9 बैचेस। तो लाइव एमसीक्यू थ्योरी क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें लगभग 10,000 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। बैच 24 जून को स्टार्ट होगा और इसका टाइम जो रहेगा वो 3 to 7 PM का होगा बच्चों, 3 to 7 PM का टाइम होगा, जिसका अभी एडमिशन लेने पर प्राइस 3,999, और ये ऑफर 15 मई तक होगा बच्चों। 15 मई तक एडमिशन लेने पर आपको यही फीस रहेगी। और इस कोर्स को परचेज करने का बेहतरीन तरीका, आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पर जाकर के आपको सर्च करना है लाइव एमसीक्यू बैच थ्योरी क्रैश कोर्स जेएनसी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। स्पेशल गुड न्यूज के बाद, जो बच्चे जेएनसी जोधपुर से पढ़े, उन बच्चों ने कल रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी, स्पेशल अनाउंसमेंट देख लीजिएगा। आप सबकी मांग पर सिर्फ ध्यान से देखना बच्चों, सिर्फ जेआईएनसी स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट ऑफर, जिन्होंने कल लगातार डिमांड की थी लाइव एमसीक्यू बैच थ्योरी क्रैश कोर्स के लिए। ध्यान से देखिएगा, जेआईएनसी ऑनलाइन स्टूडेंट है, जिन्होंने जेआईएनसी का कंप्लीट कोर्स परचेज कर रखा हो, जिन्होंने जेआईएनसी का कंप्लीट कोर्स परचेज कर रखा हो, उसके टोटल फीस में 1,000 रुपए डिडक्शन हो जाएंगे बच्चों। 1,000 रुपए डिडक्शन हो जाएगा, उन बच्चों की फीस रहेगी 2,999। देन जिन्होंने जेआईएनसी ऑफलाइन कोर्स कंप्लीट कर रखा हो और जिसकी फीस पूरी जमा है, उनके लिए 1,500 रुपीज का डिस्काउंट होगा, 1,500 रुपए का डिस्काउंट होगा, और उसकी फीस होगी 2,499। बट आपको क्या करना होगा बच्चों, ये भी देखना होगा, आपको फोन पे और पेटीएम करें, जो भी रिमेनिंग अमाउंट यहां पर पुट किया है 9636032 69 पर, अपनी फुल कोर्स की रिसिप्ट, ऑनलाइन कोर्स की रिसिप्ट के साथ आपको 7357392691 पर व्हाट्सएप कर देना है, जिससे आपका ऑनलाइन कोर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लास 24 जून को स्टार्ट होगा,
क्लास 24 जून को स्टार्ट होगा। अब इससे बेहतर बेनिफिट नहीं दे सकते बच्चों, इससे बेहतर बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। जिन्होंने जेआईएनसी जोधपुर का कंप्लीट कोर्स या जेआईएनसी जोधपुर से ऑफलाइन स्टडी कर रखा हो उनके लिए एडवांटेज है बच्चों, क्यों ऑलरेडी जेएनसी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, जेएनसी परिवार का मेंबर बन चुके हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा। जिन्होंने कल रिक्वेस्ट की थी, लगातार रिक्वेस्ट के बाद आपकी बात हमेशा मानने की कोशिश करते हैं, और ये स्पेशल बेनिफिट आप लोगों के लिए। कुछ भी क्वारी लगे तो जेएनसी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन कर सकते हो। ओके फाइन आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। ये अपनी डेली लाइफ से बहुत ही रिलेटेड बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा हमेशा बदलो और खुश रखो बच्चों। आप अपने आप को हमेशा खुश रखो ताकि हम जिंदगी के जिस पाथवे पे चल रहे हैं उस पाथवे पे पहुंच के अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सके। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें जहां पर हम स्पेशल टॉपिक को डिस्प्ले करेंगे। मैंने पूरा शेड्यूल आपके सामने पुट कर दिया है कि डेली डोज एमसीक्यू जो जेएनसी जोधपुर की तरफ से कंडक्ट किए जा रहे हैं, इस डेली डोज एमसीक्यू में कौन से दिन कौन सा टॉपिक होगा, कौन से दिन कौन सा टॉपिक होगा, इस लिस्ट में दिए गए टॉपिक और डेट के अकॉर्डिंग पर डे हम स्पेशल इन टॉपिक पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आप घर से पढ़ के आ सकते हो, आपको एडवांस लिस्ट के अकॉर्डिंग में सारी सीएचएन के टॉपिक बता रहा हूं बच्चों। आज 1 मई है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीएचएन हम पढ़ेंगे, कल सब सेंटर पीएचसी सीएचसी पढ़ेंगे, होम विजिट जिसमें बैग टेक्निक भी रहेगा, एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेमोग्राफी, वेरियस कमेटीज, स्कूल हेल्थ सर्विस, कम्युनिकेबल डिजीज पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज है, देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, इम्यूनाइजेशन ऑफ कोल्ड चेन और नेशनल प्रोग्राम्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में डिस्कस करने वाले बच्चों एमसीक्यू के साथ, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो मैंने अपनी शुरुआत की है और शुरुआत कंटिन्यू रहेगा, आपको हिम्मत दिखानी होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन और आज का इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सीएचएन या एंड सीएचएन, इंट्रोडक्शन ऑफ एंड सीएचएन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी डायमेंशन ऑफ हेल्थ ऑल एक्सेप्ट। सभी हेल्थ के डायमेंशनल है एक को छोड़ के, फिजिकल डायमेंशनल, मेंटल डायमेंशन, देन सोशल डायमेंशन, देन साइकोलॉजिकल डायमेंशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इन चारों में से 3 डायमेंशन जो है वो हेल्थ के हैं एक को छोड़ के, 3 डायमेंशन जो है वो हेल्थ को है एक को छोड़ के। जैसे फिजिकल की बात करें बच्चों, तो आपकी फिटनेस हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है जो फिजिकल डायमेंशन में आता है, देन कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है। दैट इज अ फिजिकल डायमेंशन, फिटनेस, न्यूट्रिशन और कंट्रोल ऑफ दैट वी कैन से सब्सटेंस अब्यूज। इवन सोशल डायमेंशन की बात करें बच्चों, तो कम्युनिकेशन हो सकता है इसके अंदर,
कम्युनिकेशन हो सकता बच्चों, कम्युनिकेशन के साथ साथ फैमिली हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, कौन सा जो डायमेंशन है वो हेल्थ का नहीं है, हेल्थ का नहीं है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कौन सा डायमेंशन है जो हेल्थ का नहीं है? चारों में से एक राइट आंसर देना होगा। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों क्लास को एक बार लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट आज स्टार्ट किया है, नए सब्जेक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। लाइक इट एवरीबडी राइट नाउ, लाइक इट एवरीबडी। क्या बात, शाबाश 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 शाबाश, यस दैट आई वांट फ्रॉम योर साइड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लाइक इट एवरीबडी। सभी ने डी आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा बच्चों। साइकोलॉजिकल डायमेंशनल हेल्थ के डायमेंशन में नहीं आता है। फोर्थ नंबर में यदि हम बात करें दैट वी कैन से स्पिरिचुअल। देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो न्यू डायमेंशनल है, जो न्यू डायमेंशन है वो कौन सा ऐड हुआ है, वो कौन सा ऐड हुआ है, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा? स्पिरिचुअल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि जो नया सबसे लास्ट, न्यू और वी कैन से लास्ट, ऐसा भी आ सकता है कि लास्ट कौन सा डायमेंशन जो है वो हेल्थ में या हेल्थ की मीनिंग में ऐड हुआ, हेल्थ के डेफिनेशन में ऐड हुआ है, तो दैट वी कैन से स्पिरिचुअल, दैट वी कैन से स्पिरिचुअल। देखिए स्पिरिचुअल में क्या होगा बच्चों, लव होगा, फेथ होगा, चैरिटी होगा, फैमिली होगा, ये सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होगा, ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी होगा, तो दैट वी कैन से लास्ट में जो डायमेंशनल या डायमेंशन ऐड हुआ है दैट वी कैन से स्पिरिचुअल, दैट वी कैन से स्पिरिचुअल। ओके फाइन, विल मूव फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से पहले मैं बता देता बच्चों, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई हेल्थ की डेफिनेशन है, WHO के द्वारा दी गई हेल्थ की डेफिनेशन है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। बट 1978 में The added as a lead a socially economically productive life। ये इन्होंने 1978 में ये concept add किया, 1978 में ये concept add किया। My loving future nursing officer, added as a total lead a socially economically productive life। That will be added in the 1978। तो दैट इज एग्जैक्टली मीनिंग। तो यहां डायमेंशन की बात करें, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, देन स्पिरिचुअल है, देन स्पिरिचुअल है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज बेस्ड ऑन हेल्थ का, सॉरी बायोमेडिकल जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ का वो किस पे बेस है, उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उसका आधार क्या है? यू कैन सी जर्म, जर्म, देन सॉल, देन सॉल, देन एनवायरमेंट, देन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, देन कल्चरल, देन कल्चर। थैंक यू इंडियन आर्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपक। आई वॉज पुटेड हियर, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ ऑन बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? जर्म, सॉल, एनवायरमेंट, कल्चर, कल्चर। डिफरेंट आंसर पुट करें, डिफरेंट आंसर पुट करें। और मुझे लगा था कि आंसर नहीं पता होगा, इट्स ओके, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। यदि आंसर नहीं पता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जब भी ये क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। और हम यहां सीखने आए, हम यहां सीखने आए, जो सीखने को मिलेगा वो हम लर्न करेंगे, जो हमें आता है वो हम आंसर में पुट करेंगे। बट स्ट्रेस मत लेना बच्चों, स्ट्रेस मत लेना। एक और बात क्लियर कर देता हूं, कल बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स में पुट किया कि सर हमारी ड्यूटी रहती है, इस समय बैच होगा, हम क्लास कैसे ले पाएंगे? अरे बदमाश बच्चों, जिंदगी में कुछ बनना है तो ये ड्यूटी व्यूटी छोड़ दो,
ये बंधुआ मजदूर बने हुए जो बैठे हो ये छोड़ दो, ये सिर्फ तुम्हारे कैरियर को बर्बाद करने का तरीका है और कैरियर में पीछे होने का तरीका है। अब वक्त लिमिटेड आपके पास, और यदि आप इस वक्त में अपने आप को नहीं बनाया तो जिंदगी भर बंधुआ मजदूर बन के रह जाओगे। बच्चों 8 से 12 की ड्यूटी करोगे, डबल ड्यूटी करोगे, 100 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा और उस लालच में आप 30 साल की उम्र को क्रॉस कर लोगे और उसके बाद सिर्फ बंधुआ मजदूर रहोगे, सिर्फ बंधुआ मजदूर। यदि जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, यदि जिंदगी में कुछ अपना कुछ करना है तो ये वक्त आपका है, ये टाइम आपका है, ये टाइम आपको वेट नहीं करेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारी तो ड्यूटी रहती है, हम कैसे क्लास को लेंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं रहता है। तो बदमाश बच्चों आपकी जिंदगी वो एक बंधुआ मजदूर वाली ही रहेगी। यदि आपको एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनना है, यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो उस 6 और 8 घंटे की ड्यूटी और डबल ड्यूटी से अपने आप को क्विट कर लो। वक्त अभी भी आपके हाथ में है, अभी भी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हम कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं, हम एमसीक्यू बैच भी पढ़ सकते हैं, बट इसके बाद 1 साल का मौका आपके हाथ से चला जाएगा और दुनिया में किसी को नहीं पड़ी जो आके आपको कहेगा कि बेटा उठ चल। तो प्लीज ये जो बंधुआ मजदूर बनना चाहते हैं उसको मैं नहीं रोक सकता हूं, बट जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं मैं उनको आगे लेके चल सकता हूं। बच्चों तो जिन्होंने लिखा ना कि सर हम कैसे लेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपके पास टाइम कल भी नहीं होगा बच्चों। जब आप 30 साल की उम्र क्रॉस कर लोगे, जब सिर्फ और सिर्फ नाचोगे उन डॉक्टर के कहने पर, आपका मन नहीं भी करेगा तो भी नाचना पड़ेगा क्योंकि आपने वक्त को गमा दिया, आपने सही वक्त को गमा दिया। तो हम बंधुआ मजदूर बनेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम डबल ड्यूटी भी करेंगे, हम ट्रिपल ड्यूटी भी करेंगे, हो सके तो हम अपनी पूरी लाइफ उस हॉस्पिटल को समर्पित कर देंगे, बट आपका उसमें कभी भला नहीं होगा बच्चों। आप हमेशा हमेशा रिग्रेट करोगे खुद से कि काश थोड़ा कुछ अच्छा कर लेता। तो यह वक्त अभी आपके हाथ में, 5 महीने आपके पास अपने आप को बदलेगा, अपना सपना पूरा करने का, वरना 5 महीने बाद फिर मुलाकात होगी बच्चों एक हारे हुए योद्धा की तरह। तो जागे, उठें और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको मना करें, नौकरी मत छोड़, ये मत कर, कल क्या होगा, कल अपना है बच्चों, फ्यूचर अपना है, अपने हाथ में, अपन सही डिसीजन ले पाए तो जिंदगी खूबसूरत अपनी बनेगी बच्चों। तो टेक योर डिसीजन, मूव टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ओके फाइन, इसका सही आंसर बच्चों एनवायरमेंट होगा। हमेशा बायोमेडिकल वर्ड जहां भी आता है, द डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, द डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, मतलब 4 में से 3 जो एलिमेंट है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के, एक को छोड़ के, हमें एक को छोड़ के वो कौन सा जो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। एजुकेशन, एजुकेशन एसेंशियल ड्रग प्रोविजन, फैमिली प्लानिंग और ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, इन्होंने पूछा है कि, मैं इवन ये बता देता हूं बच्चों, एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर को कभी कभी हम लोग इसेंशियल, इसेंशियल हेल्थ केयर भी बोलते हैं, इसेंशियल हेल्थ केयर भी बोलते हैं। दैट इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर इज ऑल्सो नाउन एज, वी कैन से इसेंशियल का मतलब जरूरी, इसेंशियल का मतलब जरूरी। तो जितने भी यहां पर मैंने एलिमेंट्स पुट किए, 3 प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स है एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है जो नहीं है, वो कौन सा है जो नहीं है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर गलत किया, बट कुछ बच्चों ने सी लिखा है। एब्सोल्युटली फैमिली प्लानिंग वी कैन नॉट इज अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल वीडियो सेव हो जाएंगे बच्चों। देखिए 8 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम एसेंशियल कंपोनेंट्स कहते हैं। कभी कभी सीधा पूछते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच या हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो आपको सीधा आंसर लिखना 8 एलिमेंट्स। कितना लिखोगे बच्चों? 8 एलिमेंट्स। अब 8 एलिमेंट्स कौन कौन सा, इसको याद रखने का एक ट्रिक्स है, याद रखने की ट्रिक्स है बच्चों। ट्रिक्स का नाम भी एलिमेंट है। सबसे पहला ई से लिखा एजुकेशन, देन एल से लिखा लोकली एंडेमिक डिजीज, देन अगेन ई से लिखा एक्सपांड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन,
देन एम से लिखा है एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग, देन ई से लिखा है एसेंशियल ड्रग प्रोविजन, एसेंशियल ड्रग प्रोविजन, एसेंशियल ड्रग प्रोविजन, देन एन से लिखा न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई, और टी से लिखा ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर एलिमेंट्स, एस लिखा सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन। देखिए बच्चों, मैं एक डाउट यहां पर क्लियर कर रहा हूं, बच्चों डाउट क्लियर कर रहा हूं। एग्जैक्टली यदि एलिमेंट्स की बात करें तो फैमिली प्लानिंग भी जो है वो इसी में इंक्लूडेड, इसी में इंक्लूडेड है। तो ऑल सभी सही है बच्चों, एक्सेप्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बना है, एक्सेप्ट नहीं आएगा। ये सभी जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, चारों जो एलिमेंट्स है, ये चारों करेक्ट है। और चारों किसके है? प्राइमरी हेल्थ केयर, चारों किसके है? प्राइमरी हेल्थ केयर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक बार फिर से क्लियर कर देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स में एजुकेशन भी आएगा, एसेंशियल ड्रग्स भी आएगा, फैमिली प्लानिंग भी आएगा, देन ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स भी आएगा। और इसका मतलब है ये चारों करेक्ट है, ये चारों करेक्ट है। और आपको रिमेंबर करने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक्स मैंने पुट किया बच्चों, दैट वी कैन से एलिमेंट्स, दैट वी कैन से ई एल ई एम ई एन टी, दैट इज एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट्स। एट एलिमेंट्स टोटल होते हैं, एट एलिमेंट्स टोटल होते हैं, चारों करेक्ट होगा, चारों करेक्ट होगा, ऑल राइट होगा बच्चों, ऑल राइट होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो यहां पर एक्सेप्ट को कट कर दीजिएगा, ऑल राइट मतलब ये चारों एलिमेंट्स यहां पर करेक्ट है, चारों एलिमेंट्स यहां पर करेक्ट है। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है जो क्लियर कर दिया बच्चों, अपने माइंड में रखना। फैमिली प्लानिंग ऑल्सो कंसिडर एज एलिमेंट, ऑल्सो कंसिडर एज एलिमेंट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एक यहां पर इमेज लोगो दिख रहा है बच्चों, एक लोगो दिख रहा है, लोगो शॉन इन द पिक्चर इंडिकेट। ध्यान से देखिएगा, ये लोगो जो इसमें दिख रहा है, ये लोगो जो इसमें दिख रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दैट इज अ एनजीटी, देन चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। चार अलग अलग योजनाएं मैंने यहां पर पुट की है। ये लोगो चारों में से किसको इंडिकेट कर रहा है, लोगो चारों में से किसको इंडिकेट कर रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? दैट यू कैन सी एवरीबडी, दैट यू कैन सी एवरीबडी, आयुष्मान भारत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दैट इज अ एनजीटी, चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। बता देता हूं बच्चों, आयुष्मान भारत जो है 13 सितंबर 1998 को लॉन्च हुआ, दैट वी कैन से, सो 2018 को, 13 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ, दैट इज अ आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। दूसरा लिखा बच्चों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन दैट वी कैन से ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसको बोलते हैं, लगभग ये 2010 के आसपास अबंडेंड हुआ। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज ही के दिन, आज ही के दिन फर्स्ट मई 2021 ये योजना राजस्थान में लागू की बच्चों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए ध्यान से देखना। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, जो राजस्थान गवर्नमेंट में आज ही के दिन इसको लागू किया है, आज ही के दिन इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, आज ही के दिन इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो दैट वी कैन से फर्स्ट मई 2021। तो ये लोगो देख के मुझे आप बताएं, ये लोगो इन चारों में से कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंडिकेट करा, पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंडिकेट करा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा, आयुष्मान भारत। इट्स ओके, ओके फौजदार, इट्स ओके माय डियर, या फर्स्ट स्टेट ऑफ राजस्थान इसमें चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट किया। बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर बच्चों, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आपने सुना होगा आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन धन योजना भी बोलते हैं, इसी को
प्रधानमंत्री जन धन योजना, कभी कभी आयुष्मान भारत, और इसका अदर नाम हम चाहें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से प्रनाउंस करते हैं। और इसी योजना से मिलती जुलती योजना जो है वो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, जब 5 लाख रुपए का बीमा, जब 5 लाख रुपए का बीमा जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो याद रखिएगा दैट वी कैन से आयुष्मान भारत, ये लोगो जो है ये आयुष्मान भारत को इंडिकेट कर रहा है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, मतलब वो सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल है एक को छोड़ के, पढ़िएगा ध्यान से। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड क्यूरेटिव, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और क्यूरेटिव, दीज आर द प्रिंसिपल। एक को छोड़ के, वो तीन प्रिंसिपल, वो एक कौन सा नहीं है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आंसर पुट करिएगा। लगभग 1700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। पुट द राइट आंसर एवरीबडी, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर, एसेंशियल हेल्थ केयर। मैंने कहा था प्राइमरी हेल्थ केयर का दूसरा नाम है एसेंशियल हेल्थ केयर, क्या बात है। यस, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डी पुट किया, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यूरेटिव वी कैन नॉट कंसिडर प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल में बच्चों प्रिवेंशन आएगा, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस आएगा, सर्विस बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एंड ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिशनर आएगा, रेफरल सिस्टम आएगा, लॉजिस्टिक ऑफ सप्लाई आएगा, इवन द फिजिकल फैसिलिटीज और कंट्रोल एंड इवेल्युएशन आएगा। तो क्यूरेटिव जो है डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, दैट इज अ क्यूरेटिव, आपने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर पुट किया बच्चों, ओके, वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। डिजीज इज अ कंडीशन, ध्यान से पढ़ना बच्चों, डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ माल एडजस्टमेंट बिटवीन एनवायरमेंट एंड द मैन, इज डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू, डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ माल एडजस्टमेंट बिटवीन एनवायरमेंट एंड मैन, इज डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी, WHO, यूनिसेफ, इकोलॉजी, चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा राइट होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आई वाज पुटेड डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ माल एडजस्टमेंट बिटवीन एनवायरमेंट इन द मैन, इज डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आंसर पुट करेगा, किसके अकॉर्डिंग है। चार ऑप्शन आपके सामने, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डी पुट कर, क्या बात है, बहुत सही आंसर जा रहे हैं आपके, एब्सोल्युटली राइट बच्चों, इकोलॉजी, दैट वी कैन से इकोलॉजी। देखिए सभी को पता है यदि हम WHO की बात करें तो 7th जो अप्रैल है 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू बी लॉन्च्ड, और एवरी ईयर 7 अप्रैल को हम WHO डे मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं बच्चों, WHO डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। इवन कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछते हैं कि WHO कहां पर, हेडक्वार्टर कहां है, तो आपको आंसर लिखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड, दैट वी कैन से स्विट्जरलैंड, जिनेवा। और आपसे ऐसे पूछे हैं कि WHO का हेडक्वार्टर इंडिया में कहां, है, तो आपको लिखना है न्यू दिल्ली। इंडिया में पूछे तो आपको आंसर लिखना है न्यू दिल्ली। याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वर्ल्ड में पूछे तो जिनेवा, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, कहां बच्चों, स्विट्जरलैंड में। और वहीं पूछे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में कहां, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो न्यू दिल्ली लिखना बच्चों, क्योंकि न्यू दिल्ली में INC का है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, न्यू दिल्ली में ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
TNI का है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल TNAI और वी कैन से WHO, ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, ये तीन क्वेश्चन बनते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तीनों एग्जाम के। आई वाज क्लियर मेंशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दोनों नर्सिंग प्रोफेशन की रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडी इनका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसके साथ साथ WHO का भी हेडक्वार्टर कहां है बच्चों, दिल्ली में, याद रखिएगा। इवन यूनिसेफ का पूछे तो 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ जो है दैट गोइंग टू बी अबंडेंट, और वी कैन सी लॉन्च्ड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो कभी कभी क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें, JNC का ऐप जिसने डाउनलोड कर रखा है वो अनइंस्टॉल करके री डाउनलोड करें, अपडेट करें, बहुत सारे नए फीचर्स वहां पर पुट कर दिए गए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रीवियस 5 ईयर के पेपर वहां अपलोड कर दिए गए, नर्सिंग के सारे कोर्सेज वहां पर है, कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग कोर्सेज है, नर्सेट की टेस्ट सीरीज है, MCQ बैच भी वहां पर लॉन्च कर दिया गया है। तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत सारे फीचर्स मिलेगा। तो JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड जरूर करें आप लोग प्ले स्टोर पे जाके, ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास के साथ साथ आप ऐप में भी फ्री MCQ सॉल्व कर सके, ताकि आप अपने नॉलेज को और बिल्ड कर सकते, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मैंने, कहा बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका थीम 2021 में क्या था, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। यू कैन सी एवरीबडी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले, जो बच्चे JNC जोधपुर की नोट्स को परचेज करना चाह रहे हैं, 5 बुक्स को परचेज करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन JNC की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, फिर भी किसी स्टूडेंट को वहां से परचेज करने में दिक्कतें आ रही है, तो सिंपल तरीका यहां पर पुट किया है। JNC श्योर सिलेक्शन कंप्लीट नोट्स बुक जो है आप JNC की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, यदि वेबसाइट से परचेज नहीं हो रहा है तो आप परचेज करने से में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो 9636032691 पर 1599 को आप फोन पे करें, पेटीएम करें, करने के बाद अपना पता, पेटीएम डिटेल, फोन पे डिटेल 9636032691 पे भेज दीजिएगा, इसी के व्हाट्सएप नंबर पे, और अगले 6 to 7 days में पोस्ट के द्वारा ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएगा बच्चों। दूसरा, थोड़ी टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐप और वेबसाइट को रन करना पहली बार होगा, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं आता है तो किसी से मदद लें, सीखना पड़ेगा। पहली बार मोबाइल आपने जब लिया था लाइफ में तब भी आपको मोबाइल चलाना नहीं आता था, आपने सीखा तो आपको आने लग गया, तो आपको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में दिक्कतें आएगी, पड़ोसी से मदद लें, सीखने की कोशिश करें, तभी आप सक्सेस होंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों। हर एक छोटी सी छोटी बात के लिए कॉल करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, यू शुड ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरी फीचर्स ऑफ द ऐप, और लर्न करोगे आपको समझ में आने लगेगा। ओके फाइन, विल मूव फर्दर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अरे पंकज पांडे, जब तुम लोगो चेंज नहीं कर सकते हो तो किस तरह का डिस्काउंट मांग रहे हो बदमाश बच्चे, है बिल्कुल शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच आर द बायोलॉजिकल एजेंट। यू कैन सी एवरीबडी, कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट, हम किसको बायोलॉजिकल एजेंट बोलते बच्चों। ऑप्शन लिखा बैक्टीरिया, कैन वी से बैक्टीरिया, देन उसके अलावा वायरस, देन उसके अलावा फंगाई, देन ऑल ऑफ द अबो। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबडी, विच आर द बायोलॉजिकल एजेंट, हम किसको बायोलॉजिकल एजेंट कहते हैं बच्चों। That you can see, तीन ऑप्शन है, लास्ट में ऑल ऑफ द अबो लिखा है। फटाफट आंसर पुट करेगा ABC या तीनों। साबस, जिन्होंने भी यहां पर डी पुट किया है ABC अलोंग विथ वी कैन सी डी,
क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहाँ डी लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फंगाई थ्री ऑफ देम वी कैन से बायोलॉजिकल एजेंट, इट कैन कॉज डिजीज, इट कैन रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप डिजीज, इट कैन रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप डिजीज। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच हेयर द फिजिकल एजेंट, नॉट विच हेयर, विच आर द फिजिकल एजेंट एक्सेप्ट, विच आर द फिजिकल एजेंट एक्सेप्ट कोल्ड, हीट, नॉइस, एसिड। मतलब तीन को छोड़ के एक कौन सा है, एक कौन सा जिसको हम फिजिकल एजेंट नहीं मानते, जिसको हम फिजिकल एजेंट नहीं कहते हैं। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, विच आर द फिजिकल एजेंट एक्सेप्ट, एक को छोड़ के वो एक कौन सा जिसको हम फिजिकल एजेंट नहीं कहते, फिजिकल एजेंट नहीं कहते। अंकिता आप आंसर तो दें बेटा, जब टफ क्वेश्चन का टॉपिक आएगा तो हम टफ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और मैंने सबकी हालात देखी ओबीसी में, शुरू में बड़े अच्छे अच्छे आंसर दे रहे थे, जब हम डिजीज कंडीशन में पहुंचे तो सबकी हालात पतली हो गई थी। ये वक्त डिजीज कंडीशन में कॉमनली आता है, और हमें इजी क्वेश्चन को भी लर्न करना होगा। इफ रियली वी वांट टू क्रैक, हमें कंपटीशन को फाइट करना होगा, तो हमें वन लाइनर से लेके 10 लाइन के एमसीक्यू को करना आना चाहिए बच्चों। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा, एसिड जिन्होंने लिखा है करेक्ट आंसर, विच आर द फिजिकल एजेंट एक्सेप्ट, देखिए कोल्ड है, हीट है, नॉइज है, ये तीनों फिजिकली आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, बट एसिड जो है ये बायोलॉजिकली, वी कैन से बायोलॉजिकली और वी कैन से पैथोलॉजिकली आपके बॉडी के फंक्शन को अल्टर कर सकता, दैट वी कैन एसिड। और जब भी आपके बॉडी में वेस्ट का लेवल बढ़ता है तो दैट वी कैन से एसिड जो है उसका लेवल इंक्रीज होगा और पीएच जो है वो कम होगा, पीएच जो है वो कम होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर फिर एक लोगो पुट किया बच्चों, फिर एक लोगो पुट किया है, ध्यान से देखना, आइडेंटिफाई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डेपिकेटेड बाय सिंबल RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NIDDCP नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ध्यान रखना, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। द नेक्स्ट देखिएगा, NVBDCP नेशनल विक्टर बॉर्न, ध्यान से देखना बच्चों, अगेन नेशनल विक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल विक्टर बॉर्न, या डीसीपी के दोनों को सेम आएगा, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये लोगो जो दिख रहा है, ये लोगो जो आपको दिख रहा है, ये कौन से नेशनल प्रोग्राम को डेपिकेटेड करता है, कौन से नेशनल प्रोग्राम को, यू कैन सी एवरीबडी, मैंने दो लिखा बच्चों, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, दैट्स अ NIDDCP, और नेशनल विक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल विक्टर बॉर्न, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछते हैं, तो हमें आना चाहिए इतनी लंबी फुल फॉर्म। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो ज्यादातर बच्चों ने यहां पर जो आंसर पुट किया, दैट वी कैन से NRHM लिखा है, 100% ये करेक्ट होगा, बिल्कुल सही, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बी इज द राइट आंसर। और ये जो लोगो है ये इंडिकेट करता है एग्जैक्टली, ये इस तरीके से होता है बच्चों, दैट यू कैन सी, और यहां लिखा होता है NRHM या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और आई होप कि इमेज को भी देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, विच आर फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कौन सी फिलोसफी है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की है, कौन सी फिलोसफी है जो कंप्लीटली हेल्थ नर्सिंग, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, नेचुरलिज्म, सोशलिज्म,
प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म. फटाफट आंसर पुट करेगा कौन सी फिलोसॉफी है जिसको हम कहते हैं द फिलोसॉफी विच इज बिलोंग फ्रॉम द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. नेचुरलिज्म दैट विल बी फॉलो नेचर. और मैं बता देता हूं नेचुरलिज्म जो है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इसको हम बोल सकते हैं. फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन हम इसको बोल सकते हैं नेचुरलिज्म. रियलिज्म जो है ये भी फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन है. प्रैग्मेटिज्म भी ये फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन है. एक और होता है आइडियलिज्म, एक और होता है आइडियलिज्म. आइडियलिज्म जो है वो भी फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन. चार फिलोसॉफी हम कॉमनली एजुकेशन में पढ़ते हैं, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म. और ये चारों फिलोसॉफी, देखिए फिलोसॉफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम. एग्जैक्टली फिलोसॉफी का मीनिंग हम देखे हैं लव ऑफ विजडम के नाम से जानते बच्चों. लव ऑफ विजडम, विजडम. आपने नर्सिंग एजुकेशन जब पढ़ा होगा बच्चों और ये टर्म्स बहुत बार आपने लर्न किया होगा फिलोसॉफी वी कैन से लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम. तो ये बच्चा कौन सा यहां पर सोशलिज्म, सोशलिज्म विच इज बिलोंग फ्रॉम द फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. ओके फाइन, तो बी इज द राइट आंसर. ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी सही पुट किया. बच्चों एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, एक बार क्लास को लाइक जरूर करें. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लाइक इट एवरीबडी, लाइक इट एवरीबडी. या डेफिनेटली लव ऑफ विजडम, इट्स इट्स अ मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी. क्या बात है, क्या बात है. यस दैट पूजा धाकड़, हर हर जयंसी, घर घर जयंसी. इट्स ओके माय डियर, थैंक यू सो मच. शुक्रिया सुशील, शुक्रिया. देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लर्न करने की कोशिश करें जो हम अवेयर हो सकते हैं, हम या आज के बाद हम उसके बारे में जरूर अवेयर होंगे. और हमें बेसिक क्वेश्चन को भी लर्न करना है, टफ को भी लर्न करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज, कि कौन सा मेजर कॉज है जो मैटरनल मोर्टेलिटी करता है इंडिया में. इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैटरनल मोर्टेलिटी, विच इज द मेजर कॉज. ऑप्शन आपके सामने, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, देन हेमरेज, देन अबोर्शन, देन सेप्सिस, देन सेप्सिस. मैटरनल मोर्टेलिटी, देखिए मोर्टेलिटी वर्ड का मतलब होता है डेथ रेट, डेथ रेट. और मैटरनल का मतलब है यहां पर मेनली प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट मदर. दैट वी कैन से प्रेग्नेंट मदर हो सकता है, या प्रेगनेंसी के बाद, या प्रेगनेंसी के बाद वी कैन से विद इन 42 डेज आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. दैट वी कैन कंसिडर मैटरनल मोर्टिलिटी. तो कौन सा कॉज जो है मोस्ट कॉमन है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज, दैट इज अ हेमरेज. एवरीबडी नो हेमरेज की वजह से क्या होगा बच्चों, ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा. और मदर में जब ब्लड लॉस होगा तो हाइपोवोलीमिया होगा, और हाइपोवोलीमिया कैन कॉज डेथ, कैन कॉज डेथ. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच इज द मेजर कॉज आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मैटरनल मोर्टिलिटी, या मैटरनल मोर्टिलिटी रिस्पॉन्सिबल है. तो बच्चों आपको सीधा क्या लिखना होगा, हेमरेज रिस्पॉन्सिबल. ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल हु हैव पर्टिकुलर डिजीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना. टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल हु हैव पर्टिकुलर डिजीज एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्या बोलेंगे इंसिडेंस, क्या बोलेंगे इंसिडेंस. या अदर वर्ड में यदि हम देखें बच्चों, इंसिडेंस के अलावा मॉर्बिडिटी. देखिए मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज, मॉर्बिडिटी का मतलब होगा डिजीज स्प्रेडिंग रेट, डिजीज स्प्रेडिंग रेट. कभी कभी मीनिंग पूछ लेता है. या डिजीज अकरिंग, या डिजीज अकरिंग. माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट वी कैन से मॉर्बिडिटी. सीम लिखा है प्रिवलेंस, सीम लिखा है प्रिवलेंस, और डीम लिखा नन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो. मैंने पूछा है बच्चों
total number of an individual who have particular disease at a point of time, not a particular time, point of time, तो ये किसको बोलते हैं, किसको कंसीडर करते हैं? थैंक यू अभिषेक राय, किसको कंसीडर करते हैं? इंसिडेंस को, मॉर्बिडिटी रेट को, प्रिवलेंस को, प्रिवलेंस को, देन none of these, my loving future nursing officer. Which is the right answer? Which is the right answer? C, जिन्होंने पर पुट किया है, ऑलमोस्ट बच्चे यहां पर सी की तरफ जा रहे हैं, बच्चों सी की तरफ जा रहे हैं. इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु हैज डेवलप डिजीज. इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट वी कैन से हु डेवलप स्पेसिफिक डिजीज इन पर्टिकुलर टाइम, इन पर्टिकुलर टाइम. मतलब वो इंडिविजुअल जो एक स्पेसिफिक डिजीज को डेवलप कर लेता है पर्टिकुलर टाइम में, दैट वी कैन से इंसिडेंस, दैट वी कैन से इंसिडेंस. तो अभी आपके सामने एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज अ प्रिवलेंस, दैट इज अ प्रिवलेंस. तो विच इज द राइट आंसर, इज अ प्रिवलेंस. क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिवलेंस. थैंक यू रितुमान, थैंक यू सो मच माय डियर. तो दैट वी कैन से प्रिवलेंस. ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कम्युनिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई स्टूडेंट उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं करता है, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में एनाटॉमी, एमएसएन, पीडिया, ओबीजी और थोड़ा सा साइकेट्रिक. बट हमें नॉर्सेट फाइट करना है, हमें बारात में नहीं जाना है, हमें दूल्हा बन के जाना है. और दूल्हा बन के जब जाओगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो बारात में पता भी नहीं चलेगा कौन बाराती था, कौन दूल्हे के पापा थे, कौन जीजा था, कौन ताईजी थी, कौन ताऊजी थी. तो जब हम दूल्हा बन के जाना है तो हमें सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए. हमें चार सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है. जब हमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में पता होगा, तो यदि चार से पांच नए क्वेश्चन भी आ जाएंगे ना, तो मेरे बच्चे उसका आंसर लिख के आ जाएंगे. इतना कॉन्फिडेंस उनके पास होगा. और यदि हम एक फिक्स चार टॉपिक को पढ़ के इस जंग को जीतना चाहते हैं, चार सब्जेक्ट को पढ़ के इस जंग को जीतना चाहते हैं, तो बच्चों कारवा बीच में रह जाएगा. और हमने शुरुआत की थी तब भी आपको कहा था, आज भी आपको कहते हैं, हमने एक ही डिसीजन लिया, आपका सिलेक्शन. आपके सिलेक्शन लिए जितना हार्ड वर्क हो रहा है, मैं लगातार 1 आवर की क्लास में कर रहा हूं. एडिशनल क्या आपको करना चाहिए उसके लिए मैंने एमसीक्यू बैच लॉन्च कर दिया. नोट्स कहां से मिलेंगे आपके लिए, बुक्स अवेलेबल कर दी. जो बेस्ट हो सकता आपके लिए पूरी तरीके से करना चाहता हूं, और जो जरूरी है वो आपको लेके आगे बढ़ना होगा. और एक जगह रहने से, एक कंटेंट पे ट्रस्ट करने से टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. और टीचर हमेशा सोचता है कि इन बच्चों को और मैं किस तरीके से मेहनत करवाऊं वो अपने सपनों को पूरा कर सके. आपने महसूस किया होगा बच्चों, कल कुछ बच्चे लिख रहे थे कि सर इतने टाइम हम कैसे पढ़ेंगे. आपने ये क्यों नहीं सोचा कि सर आप इतने टाइम हमें कैसे पढ़ाओगे? कभी सोचा आपने? हमेशा इंसान खुद गर्ज होता है, हमेशा इंसान खुद गर्ज होता है, वो अपने परेशानियों को लेके आगे चलाता है. जब आपने ये लिखा कि सर इतने घंटे हम कैसे पढ़ेंगे, 4 घंटे एमसीक्यू बैच, 1 घंटा लाइव बैच, सेल्फ स्टडी हम कैसे करेंगे, अरे बदमाश बच्चों ये भी तो सोचो आपके टीचर आपको कैसे पढ़ाएंगे. क्योंकि टीचर जब 8 घंटे पढ़ेगा तो 4 घंटे पढ़ा पाएगा. और ये कैसे पॉसिबल? इट मीन्स जब आपके टीचर मेहनत कर सकते हैं तो आपको करना ही है. जब टीम का लीडर आगे बढ़ के किसी भी अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं हमेशा कहता हूं एटलीस्ट ये तो जरूर सीखो कि डिसिप्लिन क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होता है, ईमानदारी क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटेंट क्वालिटी क्या होता है, ये तो सीखो कम से कम. आपको एहसास हो जाएगा कि रियल हार्डवर्क क्या होता है. 30 दिन की क्लास क्या होती है, 30 दिन में 4 से 5 घंटे लगातार एमसीक्यू बैच की क्लास कैसे होती है, यह महसूस करना पड़ेगा. यह नॉलेज जब आपको मिलेगा तब आप महसूस करोगे. तो एमसीक्यू बैच के फाउंडर, जन्मदाता आपका जेएनसी जोधपुर, में बता देता हूं बच्चों 9 एमसीक्यू बैच पूरा करवा चुका है और बेहतरीन रिजल्ट दिया है. अब तो हर कोई एमसीक्यू पढ़ाने लगा है. बट फाउंडर पूछा जाए ना एग्जाम में, हु इज द फाउंडर ऑफ एमसीक्यू बैच इन नर्सिंग प्रोफेशन, तो आंसर जेएनसी आता है बच्चों. आप किसी से भी पूछिएगा तो फाउंड किया होगा
तो स्ट्रक्चर बनाया होगा, कोर्स बनाया होगा, कंटेंट प्रिपेयर किया होगा, तभी आज इंडिया में हर कोने में जैन सिंह के बच्चे पहुंचे। तो आप बहाने ना ढूंढें, अपने आप को बचाने की कोशिश मत करें। जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया ना, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ध्यान रखना। अभी 5 मंथ है, फिर 4 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 2 मंथ, धीरे धीरे हम करीब पहुंचेंगे। और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे बच्चों, जब आप 4 घंटे एमसीक्यू बैच पढ़ोगे, 1 घंटा यूट्यूब की क्लास पढ़ोगे, 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको मिलेगा, बट हिम्मत दिखानी पड़ेगी, प्राइवेट जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट का सपना पूरा होगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, मेहनत करोगे तो सब कुछ आपका होगा, सब कुछ आपका होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड बी बेस्ड ऑन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल जो है बेस्ड ऑन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, नीड बेस्ड, पॉपुलेशन बेस्ड, पर्पस बेस्ड, या तीनों सही। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि व्हाट विल डिलीवर बाय द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दैट मींस माय डियर, किसके बेस पे प्रिपेयर किया जाते हैं, किसके बेस पे प्रिपेयर किया जाते हैं, नीड बेस्ड होता है, पॉपुलेशन बेस्ड होता है, या पर्पस बेस्ड होता है, या तीनों सही है, या तीनों सही है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट द राइट आंसर एवरीबडी, पुट द राइट आंसर एवरीबडी। द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ए बी सी डी, या फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली डी सही आंसर होगा। नीड बेस्ड होते हैं, पॉपुलेशन के बेस होते हैं, और पर्पसफुल होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी हम तो उसी को बोलते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, सेम लैंग्वेज है ना, सेम कल्चर, दैट वी कैन से कम्युनिटी, दैट इज समुदाय, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं समुदाय। ओके फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोर्स के बारे में, जो बच्चे फ्रेशर है, अभी अभी नर्सिंग किया है, या जो नॉर्सेट के लिए एलिजिबल नहीं है, या थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहा है, या फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहा है, तो सपना एम्स का आज से ही देखना शुरू कर दो। और आज से सपना देखेंगे तो सपना पूरा होगा, और सपने को 4 चांद लगाने के लिए आपका जेएनसी जोधपुर हमेशा आपके साथ खड़ा है। एम्स नॉर्सेट 2021 में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार करें, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को परचेज करें, जिसका प्राइस 6499 है, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, इमरजेंसी, यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, एक कंटेंट, एक कोर्स, और सारे एग्जाम्स। और इसको और फिल्टर करने के लिए और बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए एमसीक्यू बैच अवेलेबल है। जब थ्योरी क्लियर हो जाती है, देन यू शुड कम टू द एमसीक्यू बैच। और ये एक पाथवे है, सेलेक्ट होने का पाथवे है। पहले थ्योरी क्लियर करें, बेसिक क्लियर करें, एमसीक्यू ज्वाइन करें, सपने को पूरा करें। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां से हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को स्टार्ट किया। आने वाले कुछ दिनों तक CHN और CHN पे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो एक तीसरा सब्जेक्ट आज हमने स्टार्ट किया है, और लगातार कुछ ही दिनों में इसको फिनिश करके हम चौथे सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। कुछ बच्चों का ये सब्जेक्ट फेवरेट नहीं हो सकता, हमें डिसलाइक को लाइक करना पड़ेगा, हमें जो सब्जेक्ट से प्यार नहीं, हमें प्यार करना पड़ेगा। क्यों? एंड ऑफ द टाइम वी वॉन्ट सेलेक्शन, वी नीड सेलेक्शन, वी वॉन्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी, वी वॉन्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बच्चों। तो इस कोविड सिनारियोज में जेएनसी परिवार कोविड वॉरियर्स को दिल से सैल्यूट करता है, जो इस परिस्थिति में कोरोना योद्धा बन के लड़ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो घर में, उनका विशेष ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को ठीक 5 बजे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, हमेशा हंसते रहें, खुश रहें। कल फिर मुलाकात करूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।